Good morning, students. Today I will teach you EBS. Now take out your EBS book and open page number. Page number 11 and chapter number 3, our sense organs. Okay, today our topic is our sense organs. Let us start. There are 5 sense organs in our body. Our eyes, nose, ears, tongue and skin tell us about the outside world. They are our sense organs. There are 5 sense organs in our body. हमारे body में 5 sense organs हैं. कौन कौन से? Eyes, E-Y-E-S, eyes, N-O-S-E, nose, E-A-R-S, ears, T-O-N-G-U-E, tongue, S-K-I-N, skin. 5 sense organs, eyes, nose, ears, tongue and skin. Tell us about the outside world. और ये sense organs हमें बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या हमारे आसपास क्या हो रहा है. दे आर अवर सेंस ऑर्गन आईज. ई वाई ई एस आईज नोज स्किन ईयर्स एंड टंग. ये है आपके 5 सेंस ऑर्गन. इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं. आईज है ये, नोज है, स्किन है, ईयर्स है और ये टंग. नेक्स्ट पेज. अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. ट्राई योरसेल्फ. राइट टी फॉर ऑब्जेक्ट यू वुड लाइक टू टेस्ट एंड एस फॉर दोज यू वुड लाइक टू स्मेल. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इसमें से जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, वहाँ जो सर्कल बना हुआ है वहाँ उस सर्कल में आप की मेंशन करोगे. जो स्मेल करते हो वहाँ जो सर्कल बना है, उस ऑब्जेक्ट के पास जो सर्कल बना हुआ है वहाँ आप एस मेंशन करोगे. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज परफ्यूम. परफ्यूम को तो आप टेस्ट करते हो, परफ्यूम को आप स्मेल करते हो, है ना? तो यहाँ आप राइट करिएगा एस. नेक्स्ट बनाना. बनाना को आप खाते हैं, टेस्ट करते हैं, टी. नेक्स्ट रोज. रोज को आप स्मेल करते हैं, एस. एग. एग को आप टेस्ट करते हैं, टी. लीफ को आप स्मेल करते हैं, एस. मैंगो आप टेस्ट करते हैं यानी खाते हैं, ये हो जाएगा आपका टी. ओके, एक्सरसाइज ए. अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपका 2 ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है उसको आप अंडरलाइन करोगे. वी सी विद आवर आईज आर नोज. आप किससे सी करते हो यानी किससे देखते हो, आईज से देखते हो या नोज से? आईज से. आईज को अंडरलाइन करिए, ई वाई ई एस आईज. नेक्स्ट नंबर 2. वी स्मेल विद आवर ईयर्स आर नोज. स्मेल आप किससे करते हो? नोज, एन ओ एस ई, नोज. नेक्स्ट नंबर 3. वी फील द टच विद आवर स्किन और टंग. स्किन, एस के आई एन, स्किन. नेक्स्ट नंबर 4 एंड लास्ट. वी हैव 2 or 3 आईज. आपके पास कितनी आईज है? 2 आईज है या 3 आईज है? 2 आईज. वी हैव 2 आईज, टी डब्ल्यू ओ 2. एक्सरसाइज बी. टिक आर क्रॉस.
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके सामने टिक का सिंबल लगाइएगा, जो रॉन्ग है उसके सामने रॉन्ग यानी क्रॉस का सिंबल लगेगा। नंबर वन, आई हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स। आपको पता है आपके पास फाइव सेंस ऑर्गन्स है, तो ये हो जाएगा आपका टिक। आई हैव टू नोजेस एंड वन आई। आई हैव टू नोजेस एंड वन आई, नो आई हैव वन नोज एंड टू आईज, ये रॉन्ग है। नंबर थ्री, आई सी फ्रॉग्स विद माई आईज। फ्रॉग को आप किससे देखते हो, किसकी हेल्प से, आईज की हेल्प से देखते हो, ये है आपका टिक। नेक्स्ट नंबर फोर, आई टेस्ट आइसक्रीम विद माई टंग, ये भी टिक है, आइसक्रीम को आप टंग से टेस्ट करते हो। एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन। सेंस ऑर्गन्स को उसके फंक्शन से आपको मैच करना है। फर्स्ट आपका आईज, आईज की हेल्प से आप क्या करते हैं, आईज की हेल्प से आप देखते हैं। यहाँ देखिए बॉय जो है टेलीविजन वॉच कर रहा है, नंबर वन को आप बीम से मैच कर लेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर टू, नोज, नोज की हेल्प से आप क्या करते हैं, स्मेल यानी स्मेल करते हैं। यहाँ देखिए फ्लॉर स्मेल कर रहा है, नहीं बॉय, नंबर टू को डी से मैच करना है। नंबर थ्री, ईयर, ईयर्स की हेल्प से आप क्या करते हो, हियरिंग यानी सुनते हो। यहाँ बॉय क्या कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, नंबर थ्री को ई से मैच करना है। नंबर फोर, टंग, टंग की हेल्प से आप टेस्ट करते हो, नंबर फोर को सी में मैच करना है। एंड नंबर फाइव है आपका स्किन, स्किन की हेल्प से आप फील यानी महसूस करते हो। ओके, ओके बच्चों, आपका चैप्टर नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज आप कैसे अपनी बुक में कर लीजिएगा। अब मैम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। बाय, सी यू।